एक मित्र ने लिखा है कि मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब तो मिल रहे हैं, मैं आपको ऑनलाइन सुनता हूँ। एक प्रश्न के उत्तर में आपने ये भी कहा कि कुछ समझ में आने के बाद भी बेचैनी होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है कि कहीं गुरु कृपा की कमी तो नहीं है कि जिस आनंद को अनुभव करने के साथ बेचैनी का स्थान भी है। और एक बात, मुझे एक बार ओशो को सुनते समय कुछ समझ आया तो मुझे तत्क्षण ये ख्याल आया कि काश मैंने ओशो को जिंदा गुरु के रूप में दर्शन किए होते। लेकिन अब जब आपको सुना तो मुझे लगा कि अब किस बात की देरी है। क्या गुरु कृपा जैसा भी कुछ है या ये भी मेरा कोई शॉर्टकट तलाशने की तरकीब है? देखो, गुरु कृपा जो शब्द है ये सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड शब्द है, और इस शब्द के आधार पर ही जो समाज में शोषण का जाल है, जो एक्सप्लॉयटेशन का सारा सिस्टम है, वो पैदा हुआ है। कृपा है, लेकिन फिर कृपा का कारोबार भी है। अब अगर कहा जाए कि हाँ कृपा आती है तो तुम कृपा का कारोबार भी शुरू कर दोगे, शुरू किया हुआ है कुछ लोगों ने। गुरु कृपा, इन शब्दों को हमें थोड़ा ब्रॉडर सेंस में समझना होगा, थोड़े बड़े ढंग से समझना होगा, और जो शब्दों के प्रचलित अर्थ हैं उनसे हटना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो जो प्रचलित शब्द है परंपरा के तमाम, उनको हम एकदम से ड्रॉप कर दें। उसमें कई बार कुछ अड़चने भी हैं कि नए शब्दों को स्थापित करने में, उनको एस्टेब्लिश करने में वक्त लगेगा, और उनकी भी तो कोई गारंटी नहीं कि उनको लोग मिसयूज नहीं करेंगे। शब्द खूबसूरत है, गुरु शब्द खूबसूरत है, कृपा शब्द खूबसूरत है, और दोनों को फ्यूज कर दीजिए, मिला दीजिए, तो गुरु कृपा शब्द भी खूबसूरत है। लेकिन इसका अर्थ है कि जो प्रेजेंस है उस प्रेजेंस का लाभ तो मिलता ही है व्यक्ति को, ना कोई देने वाला ना कोई लेने वाला। आसमान में बादल घिरे हो, पानी बरस रहा हो, तुम उस बारिश के नीचे आओ, तुम भीगोगे, बादलों ने तुम्हें भिगोया नहीं। धूप निकलती है, रोशनी होती है, तुम उसके साथ चलते हो, तुम्हारे काम आती, सभी के काम आती, लेकिन रोशनी स्पेशली तुम्हारे लिए नहीं निकलती। ये तुम्हारी अपनी रिसेप्टिविटी पर, तुम्हारी अपनी ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है, तुम कितने ग्रहणशील हो, और फिर तुम्हारी ग्रहणशीलता कितनी होगी, ये उस विराट जागतिक नियम पर, उस कॉस्मिक लॉ पर डिपेंड करता है। ग्रहणशीलता भी ऐसी चीज है जिसको पैदा नहीं किया जा सकता कि तुमसे कहें कि तुम ज्यादा ग्रहणशील हो जाओ। हाँ, तुमको याद दिलाया जा सकता है, थोड़ा सा स्मरण दिलाया जा सकता है कि भाई एक रिसेप्टिविटी नाम की चीज भी होती है, उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। एक्टिवेट किया जा सकता है वर्ड फिर जब मैं यूज करूंगा तो फिर कंफ्यूजन होगा, तो लगेगा कि हम कर देंगे एक्टिवेट। नहीं है, तुम्हारे अंदर, तुम अगर उसको भूले हो, विस्मृत किए हुए हो, तो उसको याद कर सकते हो। फिर जब हमारी ग्रहणशीलता यानी जो रिसेप्टिविटी है वो हमको पता चल जाए, क्लियर हो जाए, उसमें कोई ऑब्स्टेकल ना रहे, अब हम जब किसी भी प्रेजेंस में होंगे तो उससे हम तक जो कुछ भी आ रहा होगा हम तक पहुंचेगा। गुरु कृपा इस सेंस में होगी कि जो भी जागृत व्यक्ति है, जो बोध को उपलब्ध व्यक्ति है, उसका अपना वातावरण है, उसकी अपनी तरंगे हैं, जैसे हर व्यक्ति का अपना वातावरण है, अपने तरंगे हैं, वो तुम तक पहुंचेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं, सभी के लिए समान रूप से पहुंचेंगे, और हर व्यक्ति अपने ढंग का वातावरण लेकर चलता है। अब जैसे अभी तुम इस कक्ष में आओ
और इसके पहले दो लोग अभी झगड़ा करके यहाँ से निकले हों, कक्ष खाली हो और तुम यहाँ घुसोगे तो तुमको लगेगा कुछ हवा में तनाव है, कुछ हवा में भारीपन है। ऐसा लगता है ना, आप कभी कहीं जाइए तो आपको लगेगा जैसे इस वातावरण में, इस घर में कुछ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जैसे यहाँ कुछ आपके ऊपर बेवजह तनाव आ रहा है। कहीं आप जाएंगे तो लगेगा कि बेवजह खुशी आ रही है, बेवजह शांति आ रही है। तो ये चीज़ें पूरे वैज्ञानिक तौर से अब समझी जा सकती हैं कि हर व्यक्ति के अंदर से जो वातावरण रेडिएट हो रहा है वो प्रभाव डाल रहा है। तो ये तो सच्चाई है। इसी तरह से हम जैसे भी वातावरण के साथ में होंगे उसको ग्रहण करने वाले हो जाएंगे। यहीं पर ये जो गुरु कृपा जैसा पेचीदा शब्द है वो भी काम करेगा। इसीलिए भारत में जो सर्वाधिक तर्कपूर्ण व्यक्ति हुए और सर्वाधिक व्यक्ति को मुक्त करने वाले व्यक्ति हुए बुद्ध, उन्होंने संघ का निर्माण किया। कई बार ये बात कई लोगों को विरोधाभासी जान पड़ती है कि जो व्यक्ति को इतनी आज़ादी देने वाला इंसान था उसने संघ क्यों निर्माण किया। वो कह देते कि जाओ अपना अपना काम करो, अपनी अपनी जगह पर जाओ, लेकिन फिर भी संघ का निर्माण किया। क्योंकि ये बात भी सच थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि एक जैसा वातावरण लोगों के अंदर संक्रमण की तरह जाता है, इन्फेक्शन की तरह जाता है, चेन रिएक्शन की तरह जाता है और लोगों को प्रभावित करता है, उसका लाभ दिया जा सकता है लोगों को। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो गुरु कृपा अपना काम कर रही है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ये क्लेम करेगा कि मैं कृपा दूंगा, बस वहीं पर सब बात गड़बड़ हो गई और वहीं पर ये अज्ञानता भी आई और वहीं पर एक्सप्लॉयटेशन में कोई कृपा नहीं दे सकता। लेकिन हमको चाहिए, हमको रेडीमेड चाहिए, इंस्टेंट पैकेज चाहिए, इसीलिए तमाम लोग भी हैं उसको सेल करने वाले। और हमारा तो जी मानता नहीं, लोग मर चुके हों उनको झाड़ पोछ कर हम उनसे कृपा निकालने लगते हैं। भारत में कितने बाबा और कितने लोग हैं, तुम देखो जब बेचारे अपने जीवन काल में थे तो कोई पूछता नहीं था। हाँ थोड़ा बहुत उनका था अपना नाम, लेकिन अब धीरे धीरे कालांतर में वक्त गुजरता गया और हमने उनको इतने ऊंचे पेडिस्टल पर बिठाल दिया क्योंकि उनसे हम कृपा ले रहे हैं। कृपा से हमारा तात्पर्य यही है कि कुछ हमको मिल रहा है और वो करेंगे। ये जितना भी सिस्टम मांगने जांचने का है ये इसी विचार पे खड़ा हुआ है। तो इस विचार को मैं स्वीकार नहीं करता हूं, इस विचार को बस केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। है प्रेजेंस का मैजिक है, लेकिन कोई देने लेने वाला नहीं और क्लेम करने वाला भी नहीं। ये बात ध्यान रखेंगे तो उसका लाभ ले पाएंगे। फिर बात जो पूछी है कि समझ के साथ बेचैनी आती है, बल्कि समझ के साथ ही बेचैनी आती है। ना समझी तो हमें सबसे कम बेचैन करती। तुम इसका सर्वे कर सकते हो, तुम देखो जिन लोगों को जितना कम समझ में आता है वो उतने सुकून में, अपने टाइप के सुकून में रहते हैं। मतलब सुकून का अपना एक कंसेप्ट है, उनका अपनी डिग्री है, वो खुश हैं क्योंकि बात ही समझ में नहीं आ रही। समझने के बाद में अड़चन शुरू होती है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे जैसे इंसान की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, उसकी बेचैनी बढ़ती है और बेचैनी के प्रपोर्शन से हम समझ सकते हैं कि इंसान का इवोल्यूशन, उसका जो विकास है वो हो रहा होगा। अंतिम समझ के साथ सारी बेचैनी गिरती है, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन उस अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग के पहले ये जो प्रपोर्शन है समझ और बेचैनी का, ये बराबर का चलता है और होना भी चाहिए। वही उसको जीवंत बनाता है, वही उसको अलाइव बनाता है। तुम जैसे जैसे देखना शुरू करोगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर जो पुरानी चीज़ें हैं वो छूटेंगी, नई चीज़ें समझ में आएंगी, तो बेचैनी भी आएगी, अशांति भी आएगी।
इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि सो कॉल्ड पीस और सो कॉल्ड जॉय की तलाश ना करें, और स्पिरिचुअलिटी कभी उस तथाकथित आनंद और तथाकथित शांति की बात नहीं करती, वो शांति की बात करती, आनंद की बात करती, लेकिन वो तथाकथित नहीं है, सो कॉल्ड नहीं है कि हमेशा आप आनंदित ही रहेंगे, हमेशा आप शांति रहेंगे, होगा बेचैनी के धक्के आएंगे, तुमको बिल्कुल हिला देने वाली परिस्थितियां आएंगी, वही तुम्हें विकास में ले जाएगा। तो इसमें अड़चन नहीं है, इसमें तो बिल्कुल तर्कसम्मत बात है कि अगर ऐसा हो रहा है तो तुम ठीक रास्ते पर। अगर तुमको कोई बेचैनी नहीं पकड़ती तो अभी तुम ठीक रास्ते पर नहीं हो, थोड़ा अभी तुम्हारी सारी सेंसेज अलर्ट नहीं हुई हैं और तुम अभी उतने जीवंत भी नहीं हुए हो, तो बेचैनी का हमेशा स्वागत करें। फिर इस बेचैनी को खत्म करने के लिए तमाम तरह का स्यूडो रिलीजन पैदा होता है, झूठा धर्म पैदा होता है। बेचैनी से इंसान बचना चाहता है, उसको लगता है कि बेचैनी नहीं होनी चाहिए, तो स्यूडो रिलीजन पैदा होता है, वो तमाम तरह के ऐसे आंसर देता है, तमाम तरह के ऐसे उत्तर देता है जिनको मैं अम्ब्रेला आंसर्स कहता हूँ, केवल ढकने के काम आते हैं, और व्यक्ति सेटिस्फाई होने लगता है। तमाम तरह के झूठे आंसर उत्तर हैं उसके पास उसकी बेचैनी को खत्म करने के लिए, लेकिन अगर हमको वास्तविकता में इस यात्रा में चलना है और आगे जाना है तो कोई भी उत्तर ना ढूंढें। जैसे कि एक अम्ब्रेला आंसर में उदाहरण के तौर से बता रहा हूं, तुम हजारों ढूंढ सकते हो, तुम्हारे अंदर समझ आई और तुम्हारे अंदर बेचैनी हुई, तुम्हारे अंदर रीएडजस्टमेंट हुआ, एक अलग से संयोजन हुआ तुम्हारे भीतर शरीर मन का, तो जैसे थोड़ी देर के लिए सब कुछ डिस्टर्ब होगा, थोड़ी देर के लिए सब कुछ हिलेगा, तो कई लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे कि हमारे अंदर ऊर्जा का कुछ अलग फ्लो शुरू हो गया है, हमारे अंदर ऊर्जा का कोई नया प्रवाह शुरू हो गया है, कोई कहेगा मेरी ऊर्जा मुझको यहाँ पे परेशान कर रही है, कोई कहेगा वहाँ पे परेशान कर रही है। ये जितना ऊर्जा जगत है वो इसी तरह के अम्ब्रेला आंसर्स देता है, तो व्यक्ति बेचैनी को भूल जाता है, वो सोचता है अच्छा ठीक कोई बात नहीं, फिर तो कुंडलनी जाग रही होगी, कुंडलनी जाग रही है तो परेशानी हो रही है, या कोई और हमारे अंदर रहस्यमय प्रक्रिया हो रही है। उसने बेचैनी को बेचैनी की तरह देखा नहीं, उसका सामना नहीं किया, उसको फेस नहीं किया, प्रोसेस रुक जाता है। इसीलिए अगर तुम देखो जो लोग बहुत मिस्टिकल बातें करते हैं स्पिरिचुअल सिनेरियो में, उनके अंदर कोई बहुत विकास नहीं दिखता, उनके अंदर एक किस्म की जड़ता दिखती है, क्योंकि अगर वो उसको डिफाइन कर लेंगे, अगर तुम अपनी बेचैनी को डिफाइन कर लोगे, परिभाषित कर लोगे, तो समझ का जो डायमेंशन ओपन होने वाला है वो रुक जाएगा। इस बात को समझे, अगर बेचैनी को तुम ओपन रहने दोगे, उसको डिफाइन नहीं करोगे, उसको ढकोगे नहीं, तो वही बेचैनी कोई नया चैप्टर, कोई नया डायमेंशन खोलेगी जो तुम्हारी समझ को गहरा करेगी। इस बात को बहुत ही सजगता से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जैसे ही अपनी किसी भी चीज़ को ढक लेते हैं, उसका कोई उत्तर ढूंढ लेते हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं, बात खत्म हो जाती है, फिर हम तैयारी बंद कर देते हैं, हम आगे के लिए खुले रहना बंद कर देते हैं। तो इसलिए अगर बेचैनी है अच्छा है, तुम ठीक रास्ते पर हो, कोई उलझन की बात नहीं, बेचैनी बेचैन रहो, और बेचैनी हमेशा तो रहेगी नहीं, आएगी जाएगी, फिर शांति आएगी, फिर समझ आएगी, समझ के बाद फिर बेचैनी आएगी, तो ये चलता रहेगा। और इसके पूरे स्वीकार के साथ चलो, उसी को हम आध्यात्मिक जीवन कह सकते हैं।
है।